हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ असफा हलाल का। मेरे पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर है तो मैं उसका रिव्यू शेयर करूँगी और शेड नंबर भी बताऊँगी कि कौन सा शेड नंबर किस स्किन टाइप को सूट करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हमें कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ क्यों करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो कॉम्पैक्ट पाउडर को हमें, जैसे कि हम मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के लिए हम कितना कुछ अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूर करते हैं, मतलब कितना कुछ अप्लाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारा मेकअप जो है एक प्रॉपर वे से टिका रहे और वो लंबे टाइम तक बना रहे वो हमारा मेकअप, तो इसलिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। और कॉम्पैक्ट पाउडर का हमेशा यूज़ लास्ट में किया जाता है आफ्टर मेकअप, मतलब वो जो भी हमने मेकअप किया है ताकि वो सेट रहे पूरी तरह से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर वे से मेकअप करना चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो पैची ना लगे, बहुत एकदम परफेक्ट मेकअप लगे कि इतना पता ना लगे कि आपने मेकअप किया हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या होता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा कि मतलब अगर वो ना भी लगाएं तो भी उनका चल जाएगा, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो हमारे मेकअप को एकदम से, जैसे ऑयली हम ज़्यादा मेकअप करते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एकदम से ऑयल ऑयल आने लगता है और जो हमारा मेकअप है वो सारा ख़राब लगने लगता है एकदम से। तो वो उस टाइप से ख़राब ना लगे, तो इसलिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं ताकि जो जिस टाइप का मेकअप हम करना चाह रहे हैं वो उसी टाइप का रहे, तो इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर वो अपने मेकअप को लॉन्ग लास्ट तक बनाए रखना चाहते हैं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए इतना ना भी यूज़ करें तो उनका चल जाएगा, बट ऑयली स्किन वालों को करना ही पड़ता है। तो यू कैन सी ये असफा हलाल का कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो मैं इसका रिव्यू आज आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी भी ये किस स्किन टोन के लिए है, कौन सा शेड नंबर है, सभी इसके बारे में बताऊँगी, इन्ग्रीडियंट लिस्ट भी इसकी बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। सो यू कैन सी ये है असफा हलाल कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF 15, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसमें SPF है। ये हमें सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, जो कि अब गर्मियां भी आ चुकी हैं तो हमें इसी तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन यूज़ करने चाहिए जिसमें SPF होता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कि ये बता रहा है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे मेकअप वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो 249 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट डिस्काउंट में ये हमें मिल जाएगा 150 के अराउंड। और नेट वॉल्यूम इसका 8 ग्राम दिया हुआ है, शेल्फ लाइफ हमें इसकी 3 ईयर्स की मिल जाएगी, और ये एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें लिखा है कि ऑल असफा हलाल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम अल्कोहल, पिग और अदर एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट। मतलब ये एक अल्कोहल फ्री है, कोई भी इसमें मतलब अल्कोहल वगैरह नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। ओपन होने के बाद इस तरह से इसकी क्यूट सी पैकेजिंग है जो कि ब्लू कलर की है पूरी, और इसका जो शेड नंबर है मेरे पास वो मेरे पास प्रोक्लिन ब्लश 01 है शेड नंबर, जो कि फेयर स्किन वालों को सूट करेगा और फेयर स्किन वालों के लिए ये शेड नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके ऊपर भी सभी प्राइस मेंशन किया हुआ है। तो ओपन होने के बाद ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, जो कि आपको एक मिरर भी इसमें मिल जाएगा और एक एप्लीकेटर जो है ये भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें ये एक ऊपर प्लास्टिक का इस तरह से लगा हुआ मिल जाएगा। और तो जो शेड नंबर 1 है उसका शेड इस तरह से है, ये हमारी फेयर स्किन को बिल्कुल सूट करेगा ये शेड। एक बार मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। तो जो इसका जो शेड है, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे छोटा सा डॉट लगा हुआ, तो ये उसको भी कवर कर देता है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इसने कवर कर दिया है, मतलब जो इसकी कवरेज है वो बहुत अच्छी है। अप्लाई होने के बाद जो है इसकी
तो जो इसकी कवरेज है वो सच में बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा कवर कर देता है। आप दोनों साइड डिफरेंस भी देख सकते हैं कि मतलब अगर आपके कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, ये उनको अच्छे से कवर कर देता है और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और स्किन के साथ मैच भी कर जाता है। और हमें इसको फाउंडेशन के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कलर जो है फेयर स्किन वाइटिश स्किन टोन को भी ये सूट कर जाएगा। बाकी इसमें 3 शेड्स और हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।